Welcome everyone on Biology Pradeep Kumar. In the previous lecture, we discussed the cell, about the cell discovery, their types, their cell organelles, their function and all. Now, we'll start the few cell organelles which are left in the previous lecture. Now, let's start the lysosome. Before lysosome, we start the Golgi body, because Golgi body is more important than, much important than lysosome. Golgi body or Golgi apparatus is discovered by a scientist called the Camillo Golgi. Camillo Golgi ने इसको discover किया था. इस Golgi apparatus और Golgi body हम animal cell में word use करते हैं. और dictyosome word है, ये टर्म है गोल्गी बॉडी के लिए जो हम प्लांट सेल में यूज करते हैं. डिक्टियोसोम, जो कि हम प्लांट सेल में यूज करते हैं. अब गोल्गी बॉडी की अगर बात करें तो ये फोर टाइप्स के होते हैं. टाइप्स भी क्या कहेंगे, उसमें पार्ट्स होते हैं. क्लियर? तो इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं. यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का आपने देखा भी होगा. क्लियर? तो फर्स्ट इज योर सिस्टर्ने. फोल्डेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिस्टर्ने. एक वर्ड आपने क्रिस्टी सुना था, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर लेयर है, फोल्डेड इनर लेयर है, उसको क्रिस्टी बोलते हैं, इसको सिस्टर्ने बोलते हैं. और ये कैसे होते हैं, ये अनब्रांच होते हैं, मतलब इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होते हैं. अनब्रांच होते हैं. क्लियर? और जिसमें ब्रांचिंग ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्यूबुलर. और ट्यूबुलर के साथ ये राउंडेड स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं वेसिकल. अब यही वेसिकल जब ट्यूबुलर से अलग हो जाते हैं तो इसका नाम बदल जाता है, जिसको बोलते हैं वैक्यूल. क्लियर? तो ये आपका सिंपल गोल्गी एपरेटस की डिस्कवरी कैमिलियो गोल्गी ने की थी. एनिमल सेल में ये टर्म हम यूज करते हैं, प्लांट सेल में इसको डिक्टियोसोम बोलते हैं. टाइप्स या पार्ट्स अगर कहें तो गोल्गी का स्ट्रक्चर है, जो अनब्रांच्ड है वो सिस्टर्ने है, और जो ब्रांच्ड है उसको बोलते हैं ट्यूबुलर. और ब्रांच के साथ जो स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर अटैच्ड है, दैट इज कॉल्ड दी वेसिकल्स. और वैक्यूल्स जो इससे डिटैच हो चुका है उसको बोलते हैं वैक्यूल. क्लियर? तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है. ये टर्म याद रखिएगा, सिस्टर ने पूछता है. अब इसके फंक्शन की बात करें तो गोल्गी बॉडी का जो फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लेता है. तो सेल वॉल का जो सिंथेसिस होता है, सेल वॉल की जो सिंथेसिस होती है वो गोल्गी बॉडी से होती है. सेल वॉल का सिंथेसिस जो होता है वो गोल्गी बॉडी से होती है. प्लस आपका जो है कि लाइजोसोम्स जो भी हम पढ़ेंगे उसकी भी सिंथेसिस इसी से होती है. वैक्यूल्स का नाम अभी हमने सुन ही लिया, इसकी सिंथेसिस भी इसी से होती है. प्लस हार्मोन्स प्लस एंजाइम का सिंथेसिस भी इसी से होता है. एक इंपॉर्टेंट बात करें तो एक्रोसोम, जोम जो कि स्पर्म का पार्ट है, स्पर्म पता ही आपको, मेल गैमेट, इसका भी सिंथेसिस जो है गोल्गी बॉडी से या गोल्गी अपरेटस से होता है. तो ये सिंपल आपका फंक्शन है गोल्गी अपरेटस का. स्ट्रक्चर भी आपको हमने बता दिया. नाउ लेट्स सी दी लाइजोसोम. लाइजोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग. सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस फंक्शन जो है इसका इंट्रा सेलुलर डाइजेशन,
इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, मतलब वो सब्सटेंस जो सेल में जिसकी नीड नहीं है, वो वेस्ट मटेरियल, वो डेड सेल्स के पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है सेल में, उसको ये डाइजेस्ट कर लेते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद ये खुद ही डेड कर जाते हैं और बर्स्ट करते हैं, खुद से सुसाइड कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं सुसाइडल बैट। और जिससे ये सब्सटेंस जो मटेरियल प्रेजेंट होते डाइजेस्ट करते हैं, उसमें एक हार्मोन्स प्रेजेंट होता है, ये एंजाइम कहिए, जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम की मदद से इंट्रासेलुलर डाइजेशन लाइसोजोम करते हैं और वो वुंड्स और डेड सेल को जो होते हैं वेस्ट मटेरियल सेल में प्रेजेंट होते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेता है, और डाइजेस्ट करने के बाद ये खुद से साइड कर लेता है या बर्स्ट होता है, इसलिए इसको एक और कॉमन नेम जिसको बोलते हैं एटम बम ऑफ द सेल, लेकिन वो आपके लिए अभी नहीं है, सुसाइडल बैग ही समझिए, क्योंकि ये खुद डेड कर जाते हैं। तो सिंपल लाइसोजोम में ये है। अब बात करते हैं आपका प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स के, दो ही सेल ऑर्गेनल्स बचे हैं जो आपके लिए काफी इजिली होगा। पहले बात करते हैं प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स जो है कि जनरली प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, जो हम लोग ने देखा था। और प्लास्टिड्स थ्री टाइप्स के होते हैं, एक है आपका क्रोमो प्लास्ट, दूसरा है आपका क्लोरो प्लास्ट, तीसरा जो है कि आपका है ल्यूको प्लास्ट। ये तीन है। अब क्रोमोप्लास्ट जो है कि आपका कलर्ड प्लास्टिक्स है, कलर्ड प्लास्टिक्स, सारे कलर्स होते हैं लेकिन ग्रीन कलर को छोड़कर, इसमें ग्रीन कलर नहीं होते हैं, ग्रीन कलर को छोड़कर, क्लियर। तो कलर प्लास्टिक्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं, वो है क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो आपके ग्रीन कलर जिसमें प्रेजेंट हो, वो है आपका क्लोरोप्लास्ट। जनरली लीफ वगैरह में प्रेजेंट है, ग्रीन वेजिटेबल्स में प्रेजेंट है, वो है क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आपका कलरलेस प्लास्टिक, जिसमें कोई कलर नहीं होता है, ठीक है, पर ये स्टोर करता है फूड, स्टोर्ड फूड, और किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, और स्टार्च प्रेजेंट होता है आपका पोटैटो में। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ल्यूकोप्लास्ट जो है कि कलरलेस प्लास्टिड से, मतलब कलर नहीं होता है, और ये फूड को स्टोर करता है, फूड जिस फॉर्म में स्टोर करता है वो स्टार्च, स्टार्च प्रेजेंट होता है पोटैटो में। ग्रीन कलर प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट वेजिटेबल्स लीफ वगैरह में प्रेजेंट है। क्रोमोप्लास्ट आपका कलर्ड प्लास्टिक से, मतलब सारे कलर से ग्रीन को छोड़कर आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया आपका प्लास्टिक। अब आपका आया वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो है आपको बताए थे जब डायग्राम वो डिफरेंस देख रहे थे प्लांट एनिमल सेल का, कि लार्ज साइज और परमानेंट प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में और सेंट्रली प्लेस्ड होता है। अगर कभी कोई डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन आए सेल का डायग्राम पे, तो आप दो चीज से पहचान सकते हैं कि किसका सेल है, प्लांट सेल का कि एनिमल सेल का। पहला आउटर लेयर देखिए, आउटर लेयर अगर दो है तो वो प्लांट सेल है, दो मीन सेल वॉल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस देखिए अगर बीच में है तो वो एनिमल सेल, और सिंगल लेयर होगा तो एनिमल सेल का है। और न्यूक्लियस की जगह वैक्यूल अगर सेंट्रल में प्रेजेंट है और दो लेयर है तो वो आपका प्लांट सेल होगा। तो वैक्यूल्स आपका नॉन लिविंग ऑर्गेनल्स है जो कि प्लांट सेल में जनरली प्रेजेंट होता है। इसमें सिंपल वैक्यूल के लेयर को बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट, और इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट है इसको बोलते हैं सैप। सैप स्लैप मीन्स फ्लूइड। अब इसका जो फंक्शन है, इसका फंक्शन जो है वो है ऑस्मो रेगुलेशन।
ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ फ्लूइड और सब्सटेंस फ्रॉम दी इनसाइड। जब कोई चीज ज्यादा हो जाती है तो उसको रिमूव करना पड़ता है। वो बॉडी का ऐसा फंक्शन ही होता है, चाहे प्लांट्स का हो, चाहे एनिमल्स का हो, ह्यूमन बींग्स का है। कोई भी सब्सटेंस जब ज्यादा हो जाती है तो वो बॉडी से निकली जाती है। जैसे कि हीट अभी हमारे बॉडी में हो रही है तो वो स्वेट्स के फॉर्म में निकल रहा है। तो वैसे ही वैक्यूल्स में इसका फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन। तो यहां पे एक और है नॉन लिविंग वैक्यूल्स में आपका ग्रेन्यूल्स। तो ग्रेन्यूल्स क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये फूड को स्टोर करते हैं। इतना ही है इसके बारे में, बाकी आप थोड़ा बुक से हेल्प लीजिए। क्लियर? तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम टिश्यू के साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है रिलेटेड माय लेक्चर, कोई एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम होती है या नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। क्लियर? थैंक यू।